नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का मार्केट बहुत ही रेंज में है और बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है गोल्ड में। और इसके अलावा सिल्वर में हालांकि गिरावट है, 500 रुपए से ज्यादा की कमजोरी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं आज बातचीत के लिए। सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के और तरुण सत्संगी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सुनील कटके जी आपसे होगा, बिल्कुल रेंज का मार्केट है गोल्ड का, दायरे के इस बाजार में किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी नमस्कार। जैसे आपने बताया अभी क्रिसमस हॉलीडे है और आगे चलते हुए इवन न्यू ईयर का हॉलीडे है, तो मार्केट थोड़ा ठंडा है और रेंज बाउंड है। बट इस बीच में 2-3 बड़े न्यूज आए हैं जिसके वजह से गोल्ड में हमने कल भी अच्छा मूवमेंट देखा था। ऑलमोस्ट $1900 का रेंज छूके फिर से $1880 के रेंज में भी ट्रेड होते हुए गोल्ड नजर आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड M6 पे 50,500 का लेवल कल पार कर चुका था, तो अभी 50,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 90 के नीचे है, तो कहीं ना कहीं वो $900 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज का जो साइन इन आया ट्रंप की तरफ से, उसका सपोर्ट जो है गोल्ड को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और इवन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो पोजीशंस थोड़े बेटर हैं, क्योंकि रियल यील्ड्स भी अभी भी नेगेटिव टेरिटरी है मार्च के बाद से। तो मुझे लगता है पॉजिटिव बयास में रहना चाहिए गोल्ड में। 50,000 का रेंज एक ठीक ठाक एंट्री लेवल माना जा सकता है। पोजिशनली मुझे लगता है कि ये फिर से 51,000 से लेके 51,500 तक का एक महीने में रेंज दिखा सकता है ऑन द अपसाइड। तो बाइंग ऑन द डिप का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। 49,500 का एक सपोर्ट है, वहां का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और 51,500 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है गोल्ड में। ओके, ठीक है। तरुण जी आपका क्या कमेंट है गोल्ड के ऊपर? बिल्कुल रेंज का मार्केट है, साल समाप्ति की ओर है और हालांकि मार्केट ने पिछले 1-2 दिनों में एक्शन की कोशिश की थी, लेकिन आज मार्केट बिल्कुल डल है गोल्ड का, तो क्या लगता है आपको, क्या किया जाए इस लेवल पे? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, हमने देखा लास्ट मंडे के बाद में मार्केट है ना मोस्ट ऑफ द वीक जो है साइडवेज रेंज में आया। गोल्ड की बात करें तो 49,500 से 50,600 के प्राइस बैंड के अंदर प्राइस एक्टिविटी हुई है। इवन कॉमेक्स का भी काफी स्क्यूड रेंज हो गया है $1860 से $1910 का। वेल, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 12 ईयर के लो पर है, साइमल्टेनियसली स्टिमुलस अगेन इंजेक्ट हुआ यूएस के अंदर एंड मार्केट ये होप कर रहा है कि बाइडेन के आने के बाद में हो सकता है कि अनदर ट्रांच ऑफ स्टिमुलस 2021 में देखने को मिले। तो ऑल आर सपोर्टिव फैक्टर बट शॉर्ट टर्म में साइडवेज है। बट मेरा ऐसा मानना, जब तक 49,600 के नीचे प्राइस नहीं स्लिप करेंगे तो जो दायरे के कारोबार है उसमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो 49,750 के आसपास आता है तो मैं वहां पर प्रेफर करूंगा बाय करना। मेरा स्टॉप लॉस बिलो 49,600। मेरा ऐसा मानना है कि डल मार्केट में भी 1,000 रुपये का रैली फ्रॉम दोज लेवल्स देखा जा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर। लेकिन गोल्ड में ये तो ट्रेड की बात हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नया सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ है जो कि 1 जनवरी तक खुला रहेगा। इस पर हम बात करेंगे। और सुनील कटके जी, आप जरा बताएं कि क्या इस भाव पर 5,000 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, क्या इस भाव पर, पहले तो ये कि गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए क्या जिनका लंबा नजरिया है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है?
जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए तो ऑलरेडी 6,000 रुपए सस्ते में मिल रहा है, जो अगस्त में हमने भाव देखे थे गोल्ड, तो 50,000 का दायरा 10 ग्राम के हिसाब से या 1 ग्राम के हिसाब से 5,000 रुपया जो है एक डिसेंट एंट्री लेवल है, क्योंकि 5 साल का दायरा है तो मुझे लगता है कि 5 साल के दौरान व्यू बुलिश है। मुझे लगता है कि 63,000 से लेकर 65,000 तक का व्यू बन रहा है 5 ईयर्स का टाइमलाइन अगर लेके चले, तो प्योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर पैसा ब्लॉक किया जा सकता है 5 साल के हिसाब से लॉक इन पीरियड के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि ये रेट ठीक ठाक है एंट्री लेवल के हिसाब से। नियर टर्म या लॉन्ग टर्म फंडामेंटल सब पॉजिटिव है, डॉलर मल्टी ईयर लो पे ट्रेड कर रहा है, फिजिकल डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है चाइना की तरफ से, और मुझे नहीं लगता है कि फेड भी इंटरेस्ट रेट आने वाले 1-2 साल में बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड का आने वाले समय में डिमांड बढ़ते हुए नजर आएगा, तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक रेंज रहेगा। कटके जी, आपने फंडामेंटल बता दिए, आपने बता दिया कि तेजी है गोल्ड में, ठीक है, आपकी पहली बात पे मान लीजिए लोगों ने मन बना लिया कि हमें गोल्ड बॉन्ड खरीदना है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, कितना पैसा गोल्ड बॉन्ड में अभी लगा सकते हैं, ये जरा आप जानकारी के लिहाज से बताएं हमारे दर्शकों को कि एक मिनिमम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि गोल्ड बॉन्ड कहां से मिलेगा, अगर कोई इस वक्त हमें देख रहा है और उनको नहीं मालूम है गोल्ड बॉन्ड के बारे में तो वो कहां पर जाए गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए, तरीका बताइए। जी देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है और लोकल लेवल पे बैंक्स पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी आप जाके यू नो सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वितरण केंद्र भी हैं जहां पे आप गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहां पे आप अगर इंक्वायर करेंगे तो वहां पे काउंटर्स लगे हुए हैं, यहां पे जाके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपीज के हिसाब से है, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है, आप आपकी कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि शुरुआती तौर पे अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो अगर वो 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एग्जांपल के तौर पे 50,000 रुपए अभी इन्वेस्ट करके चलें, 50,000 थोड़ा लिक्विडिटी के तौर पे होल्ड करके चलें, क्योंकि अन्य भी तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, क्योंकि आने वाले समय में लॉक इन का भी ध्यान रखना है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपका नए इन्वेस्टर्स को बाद में यू नो पैसा फंस जाएगा, इमीडिएट बेसिस पे निकालना है तो मुश्किल हो जाएगा, वैसे सिचुएशन से बचने के लिए 50% आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड बॉन्ड के थ्रू, और रिमेनिंग 50% गोल्ड में अन्य तरीकों से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETFs हो या तो इवन फ्यूचर्स हैं या तो फिजिकल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया वितरण केंद्र हैं, अभी ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है मेंबर्स के थ्रू, ब्रोकिंग हाउसेस के थ्रू, जैसे एक्सिस सिक्योरिटीज है, वैसे मल्टीपल ब्रोकिंग हाउसेस हैं, ऑनलाइन आप खाता खोल के वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है वहां पे भी आप इंक्वायरी करेंगे तो वहां पे भी काउंटर्स लगे हुए हैं, तो वहां से भी आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये बात हो गई गोल्ड बॉन्ड की, गोल्ड बॉन्ड में आप पैसा कैसे लगा सकते हैं ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। राजीव जी, अब मेरा आपसे सवाल चांदी के ऊपर होगा, सिल्वर के ऊपर होगा। चांदी में करीब 450 रुपए की गिरावट है इस वक्त, 68,344 का लेवल है MCX पर चांदी का। चांदी में क्या किया जाए, क्या आपको लगता है कि चांदी में अभी बेचकर चलना ही बेहतर होगा, शॉर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, देखिए अगर बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगले 3-4 घंटे के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है आज चांदी का जो ट्रेंड है थोड़ा कमजोर है, डाउन साइड जाने के ज्यादा चांसेस हैं, तो हमारी एडवाइस से 68,500 पर इसमें बिकवाली करनी चाहिए और 68,850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में 67,700 हमें लगता है कि पॉसिबल टारगेट है अचीवेबल, और अगर पोजिशनल बेस पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि चांदी एक अच्छा प्रॉमिसिंग काउंटर है फिर से खरीदारी के लिए। अगर भाव 66,000-66,500 के आसपास आते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी को भी चुना जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर 2 साल अगर मैं पकड़ के चले तो चांदी पॉसिबली जो हम बात 2011 में 1,00,000 की करते थे तो वैसे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं चांदी में। ठीक है, तो ये रहा है आपकी सिल्वर के ऊपर। तरुण जी, आपका व्यू क्या है सिल्वर के ऊपर, आपके हिसाब से चांदी में अभी क्या करना चाहिए? 500 रुपए तक की गिरावट है, 68,300 का लेवल है, इस लेवल पे चांदी में किस तरह का ट्रेड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं?
थिंक पोजिशनली है ना डिप्स का वेट करना चाहिए. हमने देखा लास्ट मंडे जो मूवमेंट आया था 65,500 से 71,500 का, वो जो रेंज है सिंगल डे का वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है. और जिस तरीके से फंडामेंटल्स पॉजिटिव है उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं मार्केट एक रेंज में जा चुका है. मैं भी यहाँ पर डिप्स का वेट करूंगा. आई थिंक 66,000 के आसपास आएगा तभी मैं पोजिशनली लॉन्ग करना प्रेफर करूंगा. मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा वहां पर 65,400 का, क्योंकि उसके नीचे अगर स्लिप किया तो हो सकता है सिल्वर में 2-3,000 points का फर्दर करेक्शन हम एक्सटेंड होते हुए देखें. साइमल्टेनियसली मैं मान के चलता हूँ पोजिशन में अगर कोई 2 लेवल पे बाय करके अगर होल्ड करता है वंस अगेन 70,000 के आसपास की प्राइस देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो ये राय है आपकी जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं. बहुत शुक्रिया आपका सुनील कटके साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर ट्रेड का मौका बनेगा. लेकिन अब हम